हेलो दोस्तों, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमू ब्लॉगर में आपका स्वागत है। क्या बीमू ब्लॉगर, ठीक है, बीमू ब्लॉगर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपकी लाइफ बन जाए माइंड ब्लोइंग, ठीक था, इसलिए मैं डेली डेली आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लाती हूँ। और जैसे आज भी मैं आपको एंटरटेन करने के लिए, वैसे तो हमेशा एंटरटेन करने के लिए वीडियो लाती हूँ, लेकिन जो मैंने एक बार पहले बताया नहीं था कि सांझी माता पार्ट वन ऐसा कुछ डाला था मैंने, तो सांझी माता का उस टाइम पे आपने देखा होगा ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह बने थे उसके। अभी सांझी माता लगी नहीं थी, पर उस दिन मैंने दिखाया था आपको मिट्टी के, उन्होंने कितने मतलब कितने सुंदर वो शार्क्स बनाए थे माता रानी के, और आज उनको पेंट कर दिया है और उनपे कलर भी कर दिया, मतलब पेंट कर दिया उनपे, पेंट करके वो इतने बेहतरीन, इतने मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं वो। मुझे लगा कि पार्ट वन में तो मैंने ये दिखाया, अब वो स्टार्ट हो रही है सांझी माता जो फेस्टिवल होता है ना, वो त्योहार, तो मैं आज उनको पेंट किया था, वो मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे पेंट किया है। और जो दीवार पे लगाते हैं उसकी स्टोरी मैंने आपको पार्ट वन में बताई है, पार्ट वन जरूर देखना सांझी माता, तब आपको अभी सेकंड वाला समझ आएगा। तो आज माता रानी को ऐसे दीवार पे ना उनके शाख्स को लगा रहे हैं, बना रहे हैं उनको, वो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। आप बने रहो मेरे साथ, देखते रहो मेरा चैनल बीमू ब्लॉगर, ओके। मैं आपको दिखाती हूँ उनपे पेंट हो रखा है और दीवार पे वो लगा रहे हैं, कैसे बनाते हैं सांझी माता, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू है ना, तो कल से यहाँ पे डेली डेली मतलब यहाँ पे आरती होगी, भजन होंगे सांझी माता के, तो आज लगाया है उनको, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी दिखाती हूँ कितना मतलब कितना बेहतरीन उनको पेंट किया है वो दिखाती हूँ, और वो बना रहे हैं। मैं उनके यहीं पे आई हूँ अपने पड़ोस में, जो लोग मनाते हैं भाभी लोग, उनको भी दिखाती हूँ, सो आप लोग मेरे को फॉलो करो। सो गाइस, आप देख सकते हो जो उस दिन मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में दिखाए थे, जितनी भी ये मिट्टी की इन्होंने जो कलाकारी दिखाई थी, जो शार्क्स बनाए थे, वो मैंने पहले आपको दिखा दिए, लेकिन आज फाइनली इनमें पेंट हो गया है। ये देखो आप, ये माता का, ये तो मार्केट से खरीदा है इन्होंने, फेस और हैंड वगैरह, और बाकी जो ये वाला है ये इन्होंने खुद से बनाया है। देखो आप, देखो कितना मतलब कितना बेहतरीन इसको पेंट किया आपने। देखो अभी मैं पेंटर को भी दिखाऊंगी, आपने आपको किसने पेंट किया है, पेंटर से भी मिलाऊंगी। आप देख सकते हो ये सांझी माता मतलब पूरे मतलब पूरी तैयार होके इसको दीवार पे लगाएंगे, और कल से नवरात्रि शुरू हैं, बहुत बहुत बधाई सारिया नु एडवांस में, देखिए होगा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको दीवार पे कैसे, देखो दीवार पे भी कितना, अब ये देखो जो गोबर होता है ना, गोबर सबके घर में होता है, हमारे यहाँ तो ये लोग लेकर आते हैं कहीं से, जैसे जिनकी गाय भैंस जानवर होते हैं। ये देखो भाभी, भाभी यहाँ देखो, हेलो कर दो भाभी। हाँ, ये देखो भाभी, मतलब ये सांझी माता का जो वो बनाते हैं ना, ये दीवार पे ऐसे बनाते हैं, देखो ये देखो ये कितना मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं सांझी माता को बहुत प्यार से, अपने घर में सुख समृद्धि हमेशा बने रहे, इसलिए उस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। और देखो ये कैसे बना रहे हैं, आप मैं दिखाती हूँ आपको जय माता दी। सो गाइस, जैसे अभी वो लोग तैयार कर रहे थे भाभी, तो उन्होंने माता रानी का फेस चिपका दिया वहां पे, देखो आप कितने अच्छे से, देखो वाव वाव, ये देखो आप, देखो पास से दिखा रही हूँ मैं आपको, माता रानी का फेस उन्होंने चिपका दिया वहां पे, ये देखो जी, ये देखो आप देख सकते हो वो कितनी मेहनत मतलब कितनी लगन मतलब कितनी श्रद्धा से माता रानी को यहाँ पे चिपका रहे हैं दीवार पे उनके। देखो ये है हाथ है ना इनका, अच्छा ये देखो गाइस, मतलब हमारे यहाँ पे सारा कुछ होता है, फेस्टिवल तो होता है लेकिन ये थोड़ा अनोखा फेस्टिवल है। देखो मन में श्रद्धा होनी चाहिए, लोग यहाँ पर ना इतने एक्साइटेड रहते हैं इस फेस्टिवल को, सांझी माता मतलब बहुत कम लोगों को मुझे शायद ही पता होगा कि सांझी माता फेस्टिवल के बारे में। आप देखो ये पैर लगा रहे हैं, हाथ चिपकाया इन्होंने, अब पैर चिपका रहे हैं, अब बाकी देखो ये देखो ये अपनी अपनी श्रद्धा से आदमी यहाँ पर, मतलब नवरात्रि शुरू है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना,
तो इसलिए इनका मानना ये है, ये बहुत मानते हैं। जैसा कि मैंने स्टोरी आपको पार्ट वन में बताई है, आप लोग पार्ट वन में देख लेना, सांझी माता क्यों कैसे सारी डेफिनेशन आपको उसमें मिल जाएगी। बाकी आप ये देखो, भाभी की हेल्प कर रही है कोमल, ये है असली पेंटर। हाय बोल दे कोमल। ये इसी ने पेंट किया है, बहुत अच्छी पेंटर है ये। सो गाइस, आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गई है हमारी सांझी माता। हमारी गली में, मतलब घर घर में सबके वहां बनी हुई है सांझी माता। ये देखो आप, वाह, उसी में कह रहे हैं ना, एक दो घर की दिखाऊंगी। हाँ जी, पूरी गली में सब जगह, मतलब ये सांझी माता की धूम है। बाकी सभी लोगों ने बनाया हुआ है अपने अपने घर पे, पर हमें तो इसका नॉलेज ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये सब। सो आप देख सकते हो, ये देखो, वाव, ये देखो आप, मतलब आप चित्र देख के समझ गए होंगे ये क्या चीज है। सूरज है, ये चीड़ी है, चांद है, ये माता रानी, मतलब ऐसा माना जाता है ना कि ये अभी मायके आई हुई है अपनी। जो आप ये फेस देख रहे हो, ये राजा का फेस है और ये रानी का है ना, ये इनकी रखवाली के लिए होता है ये। हाँ जी, और ये छोटी माता है, और ये क्या होता है, ये बेटे के लिए होता है। अच्छा, मतलब बेटे की प्राप्ति के लिए ऐसा कुछ, उसके लिए पूजा जाता है ये। देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वाह। सो गाइस, सांझी माता कंप्लीट कर ली है भाभी ने। मैंने पहले दिखाया था आपको, जब ये बना रहे थे तब भी मैंने दिखाया था। आप पीछे देख सकते हो, सांझी माता कंप्लीट कर दी है इन्होंने। और बहुत बहुत, मतलब दुआएं इनको, बहुत ज्यादा, बहुत श्रद्धा से अब इन्होंने बनाया हुआ है। सो अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अभी आप भी बोल दो, जरूर कर देना लाइक। थैंक यू सो मच। और कल से क्या क्या होगा, आरती होगी, आरती होगी। सब लोगों को, मतलब आपकी तरफ से बोल दो बधाइयां, कल की सांझी माता की, नवरात्रि की। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। जय माता दी, जय माता दी, बाय बाय।